पता नहीं भाई, मूड हो गया तो सोचा कि आज चलो नाइट में काम करते हैं। तो 230 गाड़ी है ये खाली पड़ा है पूरा भाई। पलावा सिटी आके आज मैं फंस गया सच में, और उसके साथ ही टोटल अर्निंग जो है ना आज की हुई है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? तो आप भाई देख सकते हो बाहर का नजारा भाई, अंधेरा है। मतलब कि मैं निकला हूँ इवनिंग में। पता नहीं भाई, मूड हो गया तो सोचा कि आज चलो नाइट में काम करते हैं। तो भाई ना मैं अभी आज नाइट में निकला हूँ, देखते हैं भाई नाइट में कितनी अर्निंग होती है, क्या होता है। और मैं अभी हूँ फिलहाल पवई में। बैक टू बैक जो है ना भाई शूट करने का टाइम नहीं मिला। तीन ट्रिप मैंने कंप्लीट कर ली है, और तीन ट्रिप के साथ जो है ना मैं बैठा हूँ अभी पवई में। सो पहली ट्रिप में लेके आया BKC गाइस। बेलापुर से डायरेक्टली जो है ना बुकिंग मिली BKC। BKC से मैं आया JB नगर, और JB नगर से मैं आया अभी पवई। और अमाउंट भी अच्छा खासा हो चुका है। कितना अमाउंट है क्या है, बुकिंग बज रही है थाने वेस्ट। सो कितना अमाउंट है क्या है वो मैं आपको जो है ना बताता हूँ कुछ ही देर में। लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। मैं अभी हूँ ये हीरा नंदानी हॉस्पिटल है उसके पीछे हूँ। सो यहीं पे थोड़ी देर वेट करता हूँ गाइस। सो ओला में भी बज रही है एक बुकिंग जो कि है अंधेरी ईस्ट की, बट अपने को काम करना है उबर के साथ ज्यादा। सो वेट करते उबर की ट्रिप की, क्योंकि यहाँ पवई में हूँ, मतलब पवई से बुकिंग तो मिल ही जाएगी। सो गाइस आज का रेट देखो कितना जबरदस्त रेट मिला है भाई। पहली बुकिंग जो है ना मैं BKC लेके आया 26 किलोमीटर का 320। उसके बाद BKC से अंधेरी JB नगर 11 किलोमीटर का जो है ना 302 रुपये 55 मिनट में पहुंचा। और ये वाली ट्रिप गाइस 9 किलोमीटर का 310 रुपये 47 मिनट्स लगा है। बुकिंग भी मिल चुकी है हीरा नंदानी में। खड़ा ही था कि गाइस वापस से एक बुकिंग मिल गई भाई, पीछे क्यों जा रहा है। सो ये बुकिंग है RCT मॉल की, तो है ना 20 मिनट दिखा रहा है RCT मॉल पहुँचता हूँ। 9:45 हो चुके हैं, और है ना मैं अभी है ना और दो ट्रिप ख़त्म करके जो है ना अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास हूँ। सो ये अपना स्काई वॉक अंधेरी रेलवे स्टेशन वाला, अपने आगे भी एक गाड़ी खड़ी है। और ये देख लो गाइस, ये देखो मैंने पवई में 3 किलोमीटर का जो है ना 183 रुपीज़ दिया है, और वापस वहीं से मुझे बुकिंग के लिए 48 मिनट्स लग गया, और 10 किलोमीटर का 250 रुपीज़ दिया है। बहुत बुकिंग बज रही है आजू बाजू की, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर वापस अंधेरी साइड की कोई बुकिंग मिल गई एयरपोर्ट के आसपास की तो मैं जाता हूँ, अदरवाइज है ना फटाफट मैं ना Terminal 2 चले जाऊंगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच गया मैं, और है ना एक बुकिंग आई Terminal 2 की, जहां पे मैं खड़ा था ना वहीं से बुकिंग आई। अभी मैं ना यू टर्न मार के पिकअप करने गया, आधे रास्ते में पहुंचा उसने कैंसिल कर दी। छोड़ो अभी है ना फिर से मैं यू टर्न मार के अभी वापस जा रहा हूँ। अभी है ना कांदीवली और ये सब बुकिंग वगैरह बज रही है सिर्फ 200-200 रुपये की। अभी है ना Terminal 2 पे जाता हूँ और एक अच्छी वाली कोई भी बुकिंग लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है। पहले तो कहाँ की आएगी उसके ऊपर डिपेंड है। तो अपना सिग्नल भी खुल गया है, चलो। तो बज रहे 10, और है ना मैं चढ़ गया हूँ सारा एलिवेटर रोड पे। सो है ना मैं अंदर पहुँचता हूँ Terminal 2 पे, देखते हैं कितना टोकन चल रहा है। 230 गाड़ी है ये खाली पड़ा है पूरा। सो आज भाई पता नहीं क्या हाल होने वाला है, कब तक नंबर आता है देखते हैं। अभी ये टाइम पे इतना खाली पड़ा है एयरपोर्ट, ये देख रहे हो, मतलब समझ लो कि क्या डिमांड होने वाली है भाई। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गाड़ी लगा के ना एक साइड कहीं तो वेट करते और देखते कब तक बचती है, क्या बचती है। फाइनली गाइस बहुत ही अच्छी जगह पे पार्किंग मिल गई है। गाड़ी का टोकन जो है ना वो 175 है, और ओला में 315 है। बहुत ही भाई एकदम आगे की तरफ आना पड़ा है मुझे, इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे। सारी गाड़ियाँ लग रहा है एयरपोर्ट पर ही आ गई है भाई, कहीं पे भी जगह नहीं थी, बहुत मुश्किल से एक जगह मिली है। सो अभी कस्टमर को जो है ना पिकअप लोकेशन से यहाँ पे ही बुला लूँगा, और फिर यहाँ से निकलेंगे। सो फाइनली गाइस आई एम इन पलावा सिटी। वही भूल भुलैया जैसे रास्ता, बट ये रास्ता शायद मुझे अभी याद रह गया है, एकदम ज़्यादा अंदर नहीं आया। एंट्री लेके तुरंत ही राइट में जो है ना वो ड्रॉप था। सो अभी मैं ना क्या करूँगा भाई, अभी है ना सिर्फ 12 ही बज रहे हैं। ये देखो ये मैं आ गया एग्जिट पे, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गेट के बाहर रुकता हूँ और वेट करता हूँ। भाई साहब यू टर्न लेना पड़ेगा यार बहुत आगे से।
सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गेट के बाहर रुकता हूँ और वेट करते हैं ट्रिप की। 12 बज रहे हैं, कोई ट्रिप बचती है या नहीं बचती है देखते हैं भाई। एक दो गाड़ी भी खड़ी है आगे पीछे, सो वेट करते हैं क्या होता है देखते हैं। या फिर एक काम करता हूँ, यहीं पे लगाता हूँ गाड़ी, यहाँ पे लगा के रुकता हूँ। तो गाड़ी यहाँ पार्क है अपनी और 701 रुपये दिया है। मैं हूँ अभी पलावा सिटी में और पहुँच के मुझे आधा घंटा हो गया, 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जैसे ही पहली ट्रिप बजी उबर में, तुरंत ही मैंने रिसीव कर ली क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब फटाफट पहुँच जाता हूँ। और अभी पूरा खाली पड़ा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, पूरा खाली पड़ा हुआ है। सो गाड़ी जो है ना, मैंने पलावा सिटी के अंदर ही पार्क की है और आगे मैंने देखा भाई दो तीन गाड़ी है, और तो यहाँ पे रुकता हूँ, देखते हैं कब तक बुकिंग लगती है। नींद भी आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में जरा सो जाता हूँ, जब भी बुकिंग आएगी तभी देखेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 7:15, 12 बजे आया हूँ मैं और 7:15 बज रहे, मतलब के समझ लो भाई 7 घंटे हो चुके। 7 घंटे के बाद जो है ना, अभी एक वाशी की बुकिंग मिली है, वो भी कैंसिल हुई एक बार, और उसके बाद जो है ना फिर से अभी मिली है भाई। पलावा सिटी आके आज मैं फंस गया सच में। तो इतना टाइम तो कभी रुकना नहीं पड़ता है। 7 घंटे हो गए यार, 7 घंटे। 35 मिनट में ड्रॉप किया है मैंने वाशी रेलवे स्टेशन। अभी अब मेरे पीछे वाशी रेलवे स्टेशन है, बुकिंग बज रही है यहाँ से मजगाओ अंधेरी चकाला। पता नहीं गाइस, ओला और उबर ने दोनों ने मिलकर जो है ना रेट इतना कम कर दिया ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है बुकिंग रिसीव करूँ या नहीं करूँ। बट ठीक है, अभी भाई ऑलमोस्ट जो है ना, ये ऑलमोस्ट नहीं भाई, करेक्ट 8:05 हो गए और मैं अभी है ना सोच रहा हूँ कि घर की तरफ चलता हूँ। कितनी अर्ली है क्या है मैं बताता हूँ पहुँचने के बाद। 2 पॉइंट अभी CNG बाकी है, सो CNG भी भरवाऊंगा। रात में जो है ना, मैं इतना कभी नहीं सोया हूँ, 12 बजे से लेके 7 बजे तक, मतलब बोलो 7 घंटा रात को। इतना तो मैं ना घर पे भी सोने नहीं मिलता, घर पे जाता हूँ तो 1-2 बजे तक नींद आती है और सुबह जो है ना 6 बजे या 5:30 बजे उठ जाता हूँ। तो इतना तो मैं ना घर पे भी नहीं सोता हूँ जितना आज जो है ना मैं गाड़ी में सोया हूँ। मतलब इतने सालों में मैं काम कर रहा हूँ ना भाई, इतना पहली बार मैं सोया हूँ गाड़ी में, और इतना वेट भी मैंने पहली बार किया है कि भाई 7 घंटा लग गया बुकिंग आने के लिए। भाई पता नहीं आज क्या हुआ था, बाकी पलावा सिटी से जो है ना बुकिंग मिल जाती है एवरी टाइम। सो CNG पंप पे आ चुका हूँ मैं, 2 गाड़ी है आगे, अभी 550 में फुल हो गया, सिग्नल तक पहुंच चुका हूँ मैं। और अप एंड डाउन चलते रहता है भाई, कभी सोना पड़ता है, कभी बैक टू बैक काम रहता है, तो सब कुछ ऐसा जो है ना, वो लाइफ है तो चलती रहता है। गाड़ी जो है ना वो चली है करेक्ट 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर में जो है ना 1 पॉइंट CNG आ चुका था, मतलब पूरा जो है ना मैंने गाड़ी ज्यादातर जो है ना ट्रैफिक में ही चलाई है। और उसके साथ ही टोटल अर्निंग जो है ना आज की हुई है 2460 रुपए की। गाइस पहली बार ऐसा हुआ कि भाई 7 घंटा जो है ना मुझे डोंबिवली में सोना पड़ा गाड़ी में, कुछ भी बुकिंग नहीं, ना ही कल्याण की, ना ही आसपास की, कुछ भी नहीं। सो कोई बात नहीं, ऐसा तो होते ही रहता है गाइस, कभी अच्छा काम होता है कभी कम होता है, बट इसको भी जो है ना भाई कम काम नहीं बोल सकते। 1900 से 2000 रुपये तक का प्रॉफिट कर लिया है। सो करते ब्लॉग को एंड, लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।